Hello students, how are you? This is AMIT YADAV, your biology teacher. Online classes में आपका स्वागत है. चलिए बेटा, हम start करते हैं अपना next topic जो last video में था, उससे आगे continue करते हैं. बेटा बात आती है energy कैसे flow करती है किसी भी एक ecosystem में. बेटा आपको पता है कि ecosystem क्या होता है? भाई वाटर में है तो वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल इफ इट इज इन ऑन द लैंड, ठीक है. और किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या है? केवल और केवल, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है बेटा. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल द इकोसिस्टम्स. सन 100% एनर्जी प्रोवाइड करती है. उस 100% में से कुछ अमाउंट में, और वो अमाउंट कितनी होती है? 50% रिफ्लेक्ट हो जाती है, या तो वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, गैसेस अब्सॉर्ब कर लेती हैं, डस्ट पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या फिर कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. फिर हमारे पास बची कितनी? केवल 50%. और जो वो 50% है वो होती है पार, PAR मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. ये एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, ये ही प्लांट्स के द्वारा यूज की जाएंगी, कैप्चर की जाएंगी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लियर. बट 45-49% एनर्जी लॉस भी होती है बेटा इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. तो जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, उस रेस्पिरेशन के दौरान 0.2-1% एनर्जी फिर भी लॉस होती है. तो प्लांट के इसमें से प्लांट के पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए, मींस टोटल जितना भी प्रोड्यूस प्लांट करेगा, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो नेट में तो क्या बताया था, रेस्पिरेटरी लॉसेस के दौरान जो लॉस हुआ है वो माइनस कर देंगे, ठीक है. तो वो माइनस करने के बाद अपने पास क्या बचा? केवल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये कितना? 0.8-4% ऑफ द सोलर रेडिएशंस ये यूज करते हैं. इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो स्टेप आती है वो आते हैं हमारे पास फूड चेन. फूड चेन क्या होती है बेटा? लास्ट क्लास में बहुत आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे. फूड चेन क्या है? एक सीरीज है और एक सीक्वेंस है, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा है. इसमें सन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ठीक है, ने 100% एनर्जी दी प्लांट को. प्लांट को ईट किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को ईट किया माउस ने, माउस को किया ऑल ने. तो बेटा ये की कंप्लीट क्या हो गई? सीक्वेंस है ये कंप्लीट. क्या है कि कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है. और इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है? प्लांट्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर ईटन बाय माउस, माउस इज ईटन बाय नेक्स्ट लेवल. और ये कंप्लीट जो सीक्वेंस है, सीरीज है, ये ही फूड चेन होती है. और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी. एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी फूड चेन जो स्टार्ट होगी वो प्रोड्यूसर लेवल से स्टार्ट होगी. कोई भी फूड चेन है वो प्रोड्यूसर लेवल से ही स्टार्ट होगी, ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे कि आपको पता है सबसे पहले क्या है इसमें? प्रोड्यूसर्स. फिर क्या है? ये सारे के सारे देखो क्या है, इंसेक्ट्स, माउस और ऑल, ये सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट पर. तो प्लांट्स क्या हैं यहां पर? प्रोड्यूसर्स. और ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? देखो नीचे लिखा हुआ है कंज्यूमर. क्या है? सारे सारे कंज्यूमर. अब बेटा ये कंज्यूमर है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कैटेगरी में. जो प्लांट पर फीड करते हैं केवल और केवल, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स. जो प्लांट पर भी फीड कर लेते हैं या फिर दूसरे किसी भी एनिमल पर या फिर इंसेक्ट पर फीड करते हैं वो हो जाते हैं.
अब हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स की, तो बेटा प्रोड्यूसर्स हैं वो CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको प्रोड्यूसर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, प्लांट्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, क्यों, क्यों क्या करते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। बेटा देर आर सम एग्जाम्पल्स, जैसे वुडी प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होते हैं, वुडी प्लांट कहाँ होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टोन्स एल्गी ये भी क्या है बेटा प्रोड्यूसर्स हैं। अब प्रोड्यूसर्स को जो फीड करेंगे वो क्या होंगे सारे के सारे कंज्यूमर्स। मैंने बताया था अभी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, यहां मेरे कर्सर के पास होइए बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर। ध्यान दें, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर, टर्शियरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर्स। बेटा वापस आते हैं यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर पर, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जो फूड चेन में सबसे पहले प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, उनको क्या बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोल दिया, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे काउ डियर एटसेट्रा। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर और इनको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर, मींस जो प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या थे हर्बीवोर्स। ध्यान रखना बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं हर्बीवोर, क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड करते हैं वो प्लांट्स पर, इसलिए। और वो क्या क्या हो गए, इंसेक्टिवोर्स, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स। अब हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर वो होते हैं जो बी पर डिपेंड करते हैं, मींस जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं वो क्या हैं टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, जैसे स्नेक, लार्ज फिश। ओके, अब आता है लास्ट पॉइंट, टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स वो होते हैं जो किसी भी फूड चेन के ऊपर में फीड नहीं होते हैं अदर ट्रॉफिक लेवल के द्वारा, मींस ये वो होते हैं जिनको कोई भी अगले ट्रॉफिक लेवल वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको फीड नहीं करता है, केवल और केवल डीकंपोजर्स हैं इनको रिड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं बेटा टॉप कार्निवोर, जैसे लायन है, टाइगर है। ये एक फूड चेन है बेटा, देखिए आप सबसे पहले क्या है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को किसने खाया प्राइमरी कंज्यूमर, और बेटा यहां पर देखिए आप प्राइमरी कंज्यूमर क्या है ग्रास ऊपर, जो केवल और केवल किसको खा रहा है प्लांट्स को। अब ग्रास ऊपर को किसी ब्लू बर्ड ने खा लिया, ठीक है, तो ग्रास ऊपर इज इटन बाय ब्लू बर्ड, तो ये क्या हो गया ब्लू बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और इसको ब्लू बर्ड को खा लिया किसने स्नेक ने, तो स्नेक क्या हो गया यहां पर टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है, एंड स्नेक इज इटन बाय अवॉल, ठीक है, स्नेक इज इटन बाय अवॉल, तो ये क्या हो गया टॉप कार्निवोर, ठीक है। अब इसको कोई नहीं खाएगा, मैंने क्या बोला है कि ये फूड चेन में नहीं इंक्लूड होगा आगे, क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत कम बचती है, जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन सिर्फ यहां आइए आप देखिए, डीकंपोजर हैं वो इसको केवल डीकंपोज करेंगे और इस साइकिल को कंप्लीट करते हुए कुछ न्यूट्रिएंट्स को वापस दोबारा से सॉइल में डिजोल्व कर देंगे। बेटा अब बात करते हैं टाइप ऑफ फूड चेन, फूड चेन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक मेन जो हम कर रहे हैं बोर्ड के अनुसार वो है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। देखिए यहां पर फ्लो चार्ट से हमने समझाने की कोशिश की है, ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा क्या है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन वो होती है जो प्लांट से स्टार्ट होती है बेटा, अभी हम डिस्कस करेंगे, ये दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया इसको, पैरासाइटिक फूड चेन और एक होती है प्रीडेटरी फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मैंने बताया अभी जो कहां से स्टार्ट होती है, केवल और केवल प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे अभी अभी बोला था सेम फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर क्या है अपने पास में हर्बीवोर्स, क्या है हमारे पास हर्बीवोर्स, ये इसका एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने फीड कर लिया ग्रास ऊपर ने, बर्ड्स ने, और इसको किसने कर लिया फाल्कन ने, तो ये क्या हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। इसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी,
अब बात करते हैं बेटा डेट्राइटस फूड चेन, तो इसमें क्या होता है, एक डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस क्या होता है, डेड डिकेइंग मैटर। देखिए मेरे यहां कर्सर के पास आइए, फूड चेन में, ठीक है, अगर वो फूड चेन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है या प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी के वेस्ट से स्टार्ट होती है, और बेटा वो जो फूड चेन होती है वो क्या होती है, डेट्राइटस फूड चेन। इसको शॉर्टकट में हम DFC भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस डेट्राइटस पर फीड करते हैं। किस पर फीड करते हैं, डेट्राइटस पर फीड करते हैं। फूड चेन जो है मेनली किस पर डिपेंड करती है, इनफ्लक्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। किस पर, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी इकोसिस्टम में कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर जो है उस सिस्टम में आया है दूसरे किसी भी सिस्टम से। सिस्टम का मतलब यहां पर इकोसिस्टम से है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड चेन कौन कौन से हैं, जैसे एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स। ये इस प्रकार से हम शो करेंगे इसको, डेट्राइटस फूड चेन में डेट्राइटस डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको फीड करने के लिए हमारे पास क्या है, डेट्रीवोर्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, क्लियर। और इनके बाद में किसका नंबर आया, डेट्रीवोर्स मींस बैक्टीरिया फंगी को फीड करने वाले क्या होते हैं बेटा, यहां पर डेट्रीवोर्स एंड दीज आर द कंज्यूमर्स। और इनको फीड करने के लिए क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल फिश, और उसको फीड करने के लिए क्या हो गई, लार्ज फिश। तो देखिए ये फूड चेन कहां से स्टार्ट हो रही है, मेरे कर्सर के पास जाइए, डेट्राइटस फूड चेन है, डेट्राइटस से स्टार्ट हो रही है, हेंस इट इज नोन एज डेट्राइटस फूड चेन। इसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, GFC। क्या है, GFC। GFC का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब प्लांट है वो डेड होगा या ऑर्गेनिक मैटर होगा तभी तो डेट्राइटस बनेगा, समझ में आई बात, और उस डेट्राइटस से आगे ये फूड चेन स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू बेटा।